हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज जो हम हैं हुंडरू फॉल आए हुए हैं। तो आज का जो ब्लॉग होगा हुंडरू फॉल के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पुल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दिखाते हैं हुंडरू फॉल में आखिर क्या कुछ देखने को मिलता है। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, हुंडरू फॉल में आपका स्वागत है। तो मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, देखिए यहीं से ये नदी है और इधर से होकर आगे जाके पानी नीचे की ओर गिरता है झरना में, यानी फॉल में। और नीचे बहुत दूर तक आपको जो पानी दिख रहा होगा वही है हुंडरू फॉल का नदी। इसके बाद आपको ये देख सकते हैं ये जो पुल है हाल फिलहाल में बना हुआ, काफी बड़ा पुल है इधर भी और इधर भी। तो कुछ दूसरे एंड से आपको दिखाते हैं कि किस टाइप का देखने को मिल पड़ता है नदी। देख सकते हैं नीचे कितना खतरनाक खाई टाइप का है, पूरा पानी है। तो फिलहाल ये अभी पुल का है, तो आगे अभी चलेंगे और अभी नीचे भी दिखाएंगे कि आगे कुछ क्या कुछ देखने को मिलता है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे अंत तक आपको सारे कुछ देखने को मिलेगा। तो फाइनली अभी चलेंगे उधर नीचे की ओर। तो फिलहाल पुल में जो था अभी फोटोशूट कर रहा था, देखिए उधर परदूम कैमरामैन रेडी है, इधर बालकृष्ण भैया और उधर सुनील भाई, इधर है दीपक जो कि काफी फोटोशूट का पोज देने को रेडी है। तो अब चलेंगे उधर आगे की ओर घूमने के लिए और आपको दिखाते हैं कि उधर कैसा कुछ देखने को मिलता है। तो हमारे साथ बने रहिए। तो उधर देखिए, इधर भी बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं, थी बाइक भी बाइक नहीं फोर व्हीलर लगे हुए हैं देखिए। और ये जो रोड है ये आता है रांची से, देख पा रहे होंगे इधर। और इधर मेरे जो ये पीछे है ये रहा हुंडरू फॉल। तो हुंडरू फॉल का ये मेन गेट है, गेट में बैरिकेटिंग लगा हुआ है। तो फिलहाल इधर इधर इसको जाना है, देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल चलते हैं नीचे की ओर। देख सकते हैं टिकट काउंटर यहीं पे है, सब लिखा हुआ है कि पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहीं से टिकट लेके एंट्री करना पड़ता है। तो इधर आप देख पा रहे होंगे मेरे ऊपर में मेन गेट यही है, यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा हुआ है बाइक के लिए। देखिए तो साइड से रास्ता दिया हुआ है, जहाँ से आगे फोर व्हीलर जाना बिल्कुल भी मना है। तो यहाँ पे फोर व्हीलर ले जाने के लिए पहले और थोड़ी टू व्हीलर ले जाने के लिए वहाँ एंट्री करवाना पड़ता है, इसके बाद आगे टू व्हीलर जा सकता है, उससे पहले जाने का नहीं है। तो फिलहाल इधर रेस्टोरेंट है खाने के लिए, देख सकते हैं। और तो इधर देख सकते हैं कि बाइक और फोर व्हीलर का इधर पार्किंग बना हुआ है पूरे, जहाँ कितने सारा यहाँ भीड़ रहता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 15 जनवरी को मेला भी लगता है तो उस समय काफी भीड़ रहता है। ये जो रास्ता दिख रहा है उसमें चलने का जगह नहीं रहता है। और आगे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा एकदम अंदर तक फोर व्हीलर पार्क किया हुआ है और इधर भी कुछ बाइक पार्क किया हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आगे और भी क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे काफी साफ सुथरा है, देख सकते हैं चारों तरफ, और फोर व्हीलर वगैरह इधर लगा हुआ है और काफी सारे जो घूमने वाले हैं तो वो घूमने के लिए आए हुए हैं आप देख सकते हैं इधर। और छोटा छोटा दुकान भी लगा हुआ है जिसमें कि छोटा पानी उनी का बोतल हो गया, छोटा मोटा कुछ खाने उने का सामान हो गया वो मिलता है। तो फिलहाल चलते हैं, इसके बाद आगे और भी देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको सारे कुछ देखने को मिलेगा। तो इधर जा रहे हैं, उधर आगे पे सीढ़ी पड़ता है जिससे नीचे उतारा जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग सीढ़ी से नहीं जाएंगे, बस आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे रोड से नीचे की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि सीढ़ी कैसा है और कितना सीढ़ी है, अब सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो इधर से उतरने में काफी समय लग जाता है, तो फिलहाल अभी तो इधर से नहीं उतरेंगे। तो फिलहाल अभी जो है थोड़ी दूर पे ही सीढ़ी मिलेगा, तो बने रहिए आपको वो भी देखने को मिलेगा। सीढ़ी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नहीं जा रहे बस तुरंत आ रहे, बस 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 यहीं से नीचे उतारा जाता है, देख सकते हैं आप। यहाँ से करीब 200-300 सीढ़ी है मिलेगा आपको जो नीचे उतरने के लिए। तो फिलहाल अभी हमको सीढ़ी से नहीं उतरना है, अभी फिलहाल जाएंगे रोड से
तो फिलहाल चलते हैं। बस इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये हॉल दिख रहा है, यहाँ शादी उदी का जो होता है तो उसमें यहाँ पे बुक किया जाता है। और यहाँ पे अंदर में रूम वगैरह है, बड़ा बड़ा हॉल है और रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पे इसको बुक करके यहाँ पे शादी उदी का जो भी पार्टी उटी किया जाता है वो यहीं से किया जाता है। तो पहले अभी चलेंगे ऊपर और ऊपर से देख रहे होंगे वायर, तो उसके माध्यम से चला जाया जाता है। तो फिर चलते हैं और आपको उधर दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मंदिर है छोटा छोटा, एक इधर है सामने में, उसके बाद एक और भी मंदिर है, दिखाते हैं आपको अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पे और एक और मंदिर है। तो इस मंदिर पे भी शादी उदी जो होता है, मुंडन वगैरह शादी वगैरह सब ये दोनों मंदिर से ही होता है। इसके बाद नीचे जो है और छोटा सा मंदिर है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा और पानी कहाँ से गिरता है वो भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी इधर बच्चा सब के लिए छोटा सा पार्क बना हुआ है खेलने के लिए, तो अभी वहाँ जाएंगे और हम लोग भी थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे। तो ये रहा सीढ़ी और ये दीपक मस्ती करने के लिए रेडी है। दीपक परदुम और दीपक देख सकते हैं एक पहले से ही बैठा हुआ है। तो फिलहाल कुछ इंजॉय करते हैं, देख सकते हैं क्या क्या है। और इधर से कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको, देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल अभी उधर भी जाएंगे, थोड़ी देर वेट कीजिए, इसके बाद उधर भी आपको दिखाते हैं उधर का नजारा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में कैसे हवा में लटक के आ रहा है वायर के माध्यम से, काफी डरावना है। ऊपर में खाई, नीचे में खाई है और ऊपर से जाया जाता है। तो ये कंप्लीट हो चुका है एक राउंड, यानी कि इधर से ऊपर वाला वायर से एक बार जाना है और नीचे वाला से एक बार आना है। तो पूरा सेफ्टी बेल्ट के साथ जाया जाता है। और ये भाई साहब का ड्रोन आ गया, ड्रोन शूट हो रहा था, क्या अपना भी आएगा ड्रोन, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे पत्थर है और कैसे कैसे जाया जाता है। उधर भी आप देख पा रहे होंगे, आपको जो बताया था मुंडन होता है किसी का, तो यहीं पे देखिए एक मंदिर है छोटा सा। मंदिर क्या है, यहाँ पे आस्था है कि यहीं पे पूजा किया जाता है। और एक झंडा भी लगा हुआ है और आपको आपको दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार का देखने में लगता है हुंडरू जलप्रपात। तो फिलहाल ये तो रहा ऊपर का नजारा, अभी चलेंगे। देखिए यहाँ से पुल भी देखने को लग रहा है कि पुल कितना हाइट पे है, सो देख सकते हैं आप, काफी अच्छा दृश्य है। पानी का सनसनाहट का आवाज, बहते पानी का आवाज पत्थरों के बीच से आता हुआ, और देखने में भी काफी अच्छा लगता है। दीपक, दीपक भी पहुंच चुका है इन वादियों का मजा लेने के लिए। तो दीपक कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है, पूरा मजा आ रहा है ना। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे जो आदमी सब घूमने के लिए गया है मस्ती करने के लिए, वो कितना छोटा छोटा दिख रहा है, यानी कि उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ऊंचाई पे है ये। तो अब देखिए, और देखिए नदी भी आगे किस प्रकार का देखने को लग रहा है, देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल पानी का फुहारा अभी आपको और भी अच्छे से दिखाएंगे नीचे जाके, जो आदमी वहां पहुंचा है वहां हम लोग भी पहुंचेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से दिखाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं नीचे की ओर। तो आप देख सकते हैं कि बंदर सब जो है, बंदर मामा सब यहाँ पे पहुंच चुका है। देखिए पूरा बहुत ज्यादा है, देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं, इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता है देख चारों तरफ। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं नीचे हुंडरू, एक बहुत ज्यादा है ऊपर हुंडरू, एक होता है नीचे हुंडरू। तो फिलहाल वहाँ जो आपको नीचे दिख रहा है अभी वहाँ जाएंगे और वहाँ का वीडियो आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल चलिए चलते हैं ऊपर में। झूलने का शौक तो अपना भी था, लेकिन ऊपर में हमको काफी ज्यादा डर लगता है ऊंचाई से, इसलिए उतना हिम्मत तो नहीं है भाई जाने का, फिर कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इधर काफी सारा शेड बना हुआ है आराम करने के लिए, जो भी कुछ दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए और अगर थक जाते हैं तो यही शेड सब में आराम किया जाता है। आप देख सकते हैं चार पांच शेड बना हुआ है पूरे, और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो आराम कर रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये होटल ऊपर हुंडरू पड़ता है जहाँ पे मेला लगता है वहाँ पे, तो 15 जनवरी को मेला लगता है। तो अगर आप वैसे नहीं घूमने आ सकते हैं तो मेला में ही आ सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का काफी अच्छा बना हुआ है चारों तरफ। तो आप कभी भी आपको टाइम मिले तो जरूर आए और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें।
तो फिलहाल चलते हैं आगे और आगे आपको और भी दिखाते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप सीढ़ी से अगर नीचे हुनरू नहीं उतर सकते हैं तो उसके लिए ये जो ओरमांझी सिकदिरी जाने वाला रास्ता में आगे में जाके एक नीचे के लिए रास्ता कटता है, तो उधर से नीचे हुनरू जाया जाता है। तो फिलहाल चलिए और दिखाते हैं कि वो रास्ता किधर से जाया जाता है। तो फिलहाल अभी दीपक आ चुका है गाड़ी लेके, तो फिलहाल चलेंगे उधर से और नीचे हुनरू में दिखाते हैं कि किधर से जाया जाता है और वहां से कैसा देखने को मिलता है हुनरू फॉल का नजारा। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहीं पे सामने से दाहिने रास्ता कटता है, आप देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल इसी से तो इधर ही से थोड़ी दूर पे नीचे उतर जाएंगे, आप देख सकते हैं। देखिए कुछ कुछ गाड़ी जो नीचे हुनरू घूमने के लिए गया था तो उधर से आ रहा है, तो इधर ही है। आगे में पावर हाउस देख सकते हैं, उधर जाना मना है, उधर बिल्कुल भी जाना मना है। तो फिलहाल अभी इधर ऊपर जाने का है, ऊपर से काफी अच्छा देखने में लगता है। तो यह सीढ़ी बनाया हुआ है तो इसी के माध्यम से हम ऊपर चलेंगे, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसा लगता है इधर नीचे हुनरू में देखने में। देखिए वहीं जो गेट लगा हुआ है मेन गेट, वहां से इधर आना बिल्कुल मना है, कोई भी इधर एंट्री नहीं कर सकता है चाहे कोई भी हो। तो उनका जो स्टाफ है यहाँ जो रहते हैं और जो काम करते हैं वही बस यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता है। देखिए कितना बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर भी है। तो देख सकते हैं नीचे पे लकड़ी का पुल बनाया हुआ है जो काफी अच्छा है। उसके बाद देखिए हुनरू फॉल का नजारा कैसा देखने में लग रहा है। तो फिर चलते हैं पूरा सामने में और दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे कैसा माहौल देखने को लगता है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि हुनरू फॉल का नजारा, फाइनली मैं जगह पे पहुंच चुका हूँ। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे बारिश के दिनों में पूरा पानी भरा रहता है और काफी खतरनाक तरीके से पानी भी ऊपर से नीचे गिरता है, जो कि पूरा भर के ऊपर में जितना आपको दिख रहा है चौड़ाई वो पूरे में भर के गिरता है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो फिलहाल देखिए और इंजॉय कीजिए, आपको पूरा दिखाते हैं। तो फिलहाल देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार का है हुनरू फॉल। बड़े बड़े पत्थरों के बीच पानी की सनसनाहट की आवाज, और इधर देख सकते हैं अभी जो हम लोग गए थे उधर अभी आ रहा है उसे पीछे से, उसे अभी पहुंचा नहीं है। और देखिए काफी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए, और देखिए पानी का फुहारा कितना खतरनाक तरीके से दिख रहा है। देखिए इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमेशा आते ही रहते हैं। अभी देखिए ऊपर से हम लोग आए थे और यहाँ सामने में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का देखने को लगता है, पूरा पानी का गहराई। और एक यहाँ पे छोटा सा शिव भगवान का मंदिर है, देखिए जहाँ पे शिवलिंग एक छोटा सा रखा हुआ है, और एक हनुमान जी का, और देखिए अंदर में गुफा टाइप का है। इधर हमारे भाई हैं डीके राज मोबाइल सेंटर, इनका यूट्यूब चैनल है, इनका यूट्यूब चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं, शेयर कर देना है ना दोस्तों। और इधर है सुनील भाई, उधर दीपक भाई पूजा करने के लिए गया है, अभी है तो सुनील कुमार के नाम पे इसका भी चैनल चलता है, इसका भी वीडियो लाइक और कमेंट शेयर करना है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में, तब तक लिए आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिए। तो आपको हुनरू फॉल का वीडियो कैसा लगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे सभी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिलहाल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।